इंदौर में आयोजित होने वाली प्रवासी भारतीय G20 सम्मेलन को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम सहित पुलिस विभाग तैयारी में जुटा है। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर शनिवार को अहम बैठक हुई, जिसमें पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारे मिश्र, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित सामाजिक संगठन और NGO के पदाधिकारी मौजूद रहे। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पहली बार होने वाले प्रवासी सम्मेलन को लेकर तैयारियां जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र व महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा सामाजिक संगठन और NGO के साथ बैठक आयोजित की गई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि NRI सम्मेलन इंदौर में होना गौरव की बात है। विदेश से आए अतिथियों को किसी भी बात की परेशानी न हो, इसके लिए बैठक में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात सुगमता को लेकर चर्चा की गई। आगामी जनवरी और फरवरी में हम जानते हैं कि इंदौर में अभूतपूर्व आयोजन होने जा रहे हैं, जिसमें दुनिया भर से लोग आएंगे और यहाँ से जिस तरह का एक अनुभव लेकर के जाएंगे, उससे एक धारणा निर्मित होगी पूरी दुनिया में इंदौर के बारे में। इसलिए लगातार कोशिश है। आज महापौर जी के साथ एक बड़ी बैठक थी, जिसमें एक शहर के सभी NGOs को, सभी संगठनों को बुलाया गया था और आने वाले समय में मुख्य तौर पर, खास तौर पर अगले 7 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में जन सहभागिता को यातायात के साथ जोड़ा जा रहा है। इसमें महापौर जी ने एक इसमें यातायात मित्र जैसे एक योजना लोगों के साथ इसमें चर्चा की। खास तौर पर इसमें संकल्पना यह है कि लोग इसमें भागीदारी सुनिश्चित करें, अपने अपने क्षेत्र में भागीदारी करें और साथ ही साथ संख्या भी तय करें। पुलिस इनको अभी प्रशिक्षित कराएगी। आने वाले दिनों में शनिवार को एक प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, यह प्रशिक्षण लगातार चलेगा और इसमें कोशिश होगी कि पुलिस के साथ मिल करके जो स्थानीय नागरिकों की भागीदारी है, इस यातायात को बेहतर करने में लगातार रहेगी और हम एक आने वाले चुनौतियों के मद्देनज़र लोगों की भागीदारी से एक बेहतर यातायात दे पाएंगे। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि शहर ट्रैफिक व्यवस्था में सुचारू बनी रहे, इसके लिए NGO और सामाजिक संगठन सहयोग से लिया जाएगा, जिसके लिए युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। शहर में यातायात सुगमता से संचालित हो, ये शहर के लिए बहुत प्रमुख विषय है। इसको लेकर जनजागरण का अभियान लगातार चलता रहे, ये एक विषय है। लेकिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन, GIS, G20 या खेलो इंडिया खेलो, ऐसे कई बड़े कार्यक्रम और आयोजन इंदौर में लगातार होने वाले हैं, जिसमें VIP मूवमेंट भी रहने वाला है और शहर का ट्रैफिक भी सुगमता से चले। इन सब विषयों को लेकर शहर की सामाजिक संस्थाओं और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस पूरे अभियान को कैसे चलाया जाए, कैसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, कैसे शहर की इसमें सहभागिता हो और पूरी दुनिया में इंदौर के लिए अच्छा संदेश जाए, इसको लेकर एक कार्य योजना तैयार की है। और मुझे लगता है कि नगर निगम के ट्रैफिक डिपार्टमेंट, पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट, पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और जनता की सहभागिता से एक ऐतिहासिक आयोजन और ट्रैफिक भी उसमें सुगमता से चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको बता दें कि नए साल 2023 की जनवरी माह में इन्वेस्टर समिट के साथ NRI सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। विदेशों से आने वाले अतिथियों का भव्य स्वागत करने में कोई कमी ना रहे, इसके लिए नगर निगम सहित प्रशासन द्वारा भव्य तैयारियां की जा रही है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।